फिर भी और एक सवाल है, लाइक इन दिनों एक सवाल जो है सभी के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सभी ये बातें कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट किया जाए, ट्विटर पे सब जगह ट्रेंडिंग हो रहा है, आपका इसके ऊपर क्या राय है? फिलहाल तो मैं फिल्में नहीं कर रही हूँ, जिस दिन फिल्में करूँगी तो मुझे पता चलेगा, बट आई फील वी शुडंट अफेक्ट द बिजनेस. पर एक्चुअली एक माइंड सेट हो गया लोगों का, मोर देन द बॉयकॉट आई वॉन्ट टॉक अबाउट दिस, दैट क्या हो गया ना पोस्ट टू ईयर्स ऑफ बींग इन दिस लॉकडाउन, लोगों की एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग जब लोगों को पता चल जाता है कि पिछले कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे इवेंचुअली आएगी, आई डोंट नो, आई काइंड ऑफ फील पीपल आर नॉट वॉन्टिंग टू गिव दैट काइंड ऑफ मनी इन थिएटर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा हो रहा है. लोगों को लग रहा है कि हमारे पास इतनी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन हैं तो हम लोग फिल्म जब आएगी तो वहाँ देखेंगे. सो आई काइंड ऑफ फील वो ट्रेंड को थोड़ा सा दो साल लोगों में वो इतना आ चुका है दैट समटाइम्स इवन आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ मिस्टेक वेयर आई एम फीलिंग कि यार पिक्चर तो आ जाएगी ना, यू नो अभी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी या इधर आ जाएगी उधर आ जाएगी. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कमिंग एंड आई होप दैट वी कैन ब्रिंग दैट चेंज. या बट द लास्ट फिल्म दैट आई वॉच वॉज आई टुक द रिफर टू वॉच भूल भुलैया, इट वॉज अ गुड ग्रेट वॉच एंड मैंने जुगजू जियो भी देखी है एंड इट वॉज अ प्रीटी डिसेंट वॉच अगैन एंड आई होप थिंग्स चेंज हो पाए. थैंक यू. थैंक यू. छूट गए. थैंक यू गाइस, जाओ बारिश होने वाली है. सी यू. सुरभि जी पीछे. नमस्ते नमस्ते. यस कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ यार. नया शो आ रहा है आपका? नया शो आ रहा है मेरा. यस शेरगिल शेरगिल आ रहा है.